हनुमान जयंती पर रैली को लेकर मुंबई में बजरंग दल की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई है। मुंबई पुलिस ने हनुमान जयंती पर बजरंग दल की रैली को रोका और अब उन्हें नोटिस भेजा गया है। मुंबई पुलिस ने वाशी नाका में बजरंग दल की रैली पर नियम लागू किया हुआ था। रैली में नियम का पालन न करने को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजा गया है। मुंबई ने कहा, मुंबई की ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक और भीड़ को लेकर 40 फीट खुली ट्रक और डीजे की दीवार को परमिशन हमने नहीं दिया था। पुलिस ने कहा, इस तरह के दो गुट रैली निकाल रहे थे। एक गुट को 20 फीट ट्रक में रैली के लिए माना गया था, हमने परमिशन दिया था, लेकिन हमने सिर्फ इलाके के लोगों की सुरक्षा को देखते हुए 40 फीट ट्रक को परमिशन नहीं दिया था। यह घटना कल दोपहर 1 बजे के करीब हनुमान जयंती पर बजरंग दल के द्वारा निकाली गई रैली के समय पर हुआ था और अब इस रैली को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मुंबई पुलिस की तरफ से नोटिस भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि बजरंग दल ने रैली में जो नियम लागू किए थे उनका पालन नहीं किया। हमने 20 फीट के ट्रक को परमिशन दिया हुआ था, लेकिन लोगों की सुरक्षा को देखते हुए 40 फीट के ट्रक को परमिशन नहीं दिया था, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नियमों का उल्लंघन किया है और उसी के चलते अब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई है। मुंबई पुलिस की तरफ से उन्हें नोटिस भेजा गया है। कि यांचा कार्यक्रम रद्द होण्यासाठी या लोकांनी काय केलं म्हणजे षडयंत्र निर्माण केलं आणि गेल्या 4 दिवसापासून आम्हाला मानसिक आणि शारीरिक पद्धतीने त्रास दिला जातो की तुम्ही कार्यक्रम रद्द करा आणि कॉम्प्रोमाइज करायला सांगतात। म्हणजे त्यांनी जे ठरवलं ना त्यांच्या हिशोबाने आम्हाला कार्यक्रम करण्याचा आम्हाला त्यांनी दबाव टाकला, पण आम्ही जो कार्यक्रम घेत आम्ही कायदेशीरच्या घेत आहे, परवानगी पण घेत आहे। तर आम्हाला असं माहिती मिळाली की त्यांना जे मुस्लिम समाजातील लोक आहेत त्यांनी सांगितलं की आमच्या इथं रमजान चालू आहे, कुठल्या पण पद्धतीने कसं पण यांचा कार्यक्रम रद्द होण्यासाठी यांनी एक संगनमत करून आमच्या लोकांना त्रास देण्याचा हेतू नाही। आम्हाला सांगितलं की तुम्ही कार्यक्रम रद्द करा आणि आम्हाला मी कमरे राम जाधव आणि आमचे मित्र जे आहेत विजय सिंग या दोघांना आता त्यांनी नोटीस पाठवली आहे की तुम्हाला इथून वाशिंग तुम्हाला तडीबात करण्यात येत आहे। भगवान को लेके जाए रैली निकाले क्या कहिए इसमें? RCF पुलिस स्टेशन में वाशिना का एरिया में आज हनुमान जयंती का उत्सव मनाया जा रहा था। इस सिलसिले में इस एरिया से 2 रैलियां निकलने वाली थी। इसके बारे में हमने शनिवार को RCF पुलिस स्टेशन में मीटिंग ली थी, जिसमें RCF पुलिस स्टेशन के टोटल 6 और वाशिना का एरिया के 2 रैली के जो पदाधिकारी है वो उस मीटिंग में शामिल हुए थे। काफ़ी लंबी उस मीटिंग में हमने रैली कैसे निकलेगी, कितने बजे निकलेगी, कितने लोग रहेंगे और कौन सी गाड़ियाँ उस रैली में रहेंगे, इसके बारे में वहाँ पे चर्चा हुई थी। इस चर्चा में वाशिना का जो एरिया है वहाँ के रैलियों के बारे में बताया गया था कि बैंजो की गाड़ी रहेगी, छोटी वाली जो इससे पहले भी चेंबूर के रैली में यूज़ हुई थी, और उसके साथ में पूरा सविस्तर चर्चा होने के बाद में सबने एक्सेप्ट भी किया था। उसके अलावा हमने कल भी इस रैली के संदर्भ में जो मेन पदाधिकारी है उनको पुलिस स्टेशन में मैं खुद बुलाया और उनसे चर्चा भी की थी, लेकिन आज रैली के दिन 1 बजे पेट्रोलिंग में हमको ऐसा दिखा कि वाशिना का एरिया से जो रैली निकलने वाली थी उन्होंने 40 फीट का ओपन ट्रक जिसके ऊपर डीजे की दीवार खड़ी करके उसको तैयारी चल रही थी। इस सिलसिले में खुद मैं गया और इस दोनों रैली के आयोजकों को मैंने बात किया करीब 1:15 की, 1:15 की ये बात होगी, और दोनों को हमने बताया कि ये 40 फीट का 14 पहिया ट्रक है, जो ट्रक आप निकालना चाह रहे हो, जो रैली में आप शामिल करना चाह रहे हो, ये इस एरिया में ये ट्रक जो हमारे ट्रैफिक है, लोगों का भीड़ है, ये सब बातों को देखते हुए हम परमिशन नहीं देंगे। आप 14 पहिया 40 फीट वाला जो लंबाई वाला ट्रक है उसको छोड़ के 20 फीट वाला जो ट्रक है जो हमेशा यूज होता है, जो उस ट्रक पे आप अपना जो भी इससे रिलेटेड सामान है वो रख के हम रैली शुरू करवाते हैं। 1:15 ये बोलने के बाद में एक ग्रुप जो था उस ग्रुप ने उस बात को माना और इमिजिएटली वो 40 फीट के ट्रक से 20 फीट के ट्रक पे शिफ्ट करके उनकी रैली शुरू भी हो गई, लेकिन एक ग्रुप इसमें अड़ा रहा, अगर रैली निकलेगी तो
40 फीट के ट्रक पे निकलेगी, नहीं तो नहीं निकली। मैंने उनको बोला कि ये जो रैली है, ये भगवान इसमें हनुमान